आज मैं एक ऐसी मम्मी के साथ बैठी हूँ जो अपनी सास के साथ बैठ के शराब पीती है, खैर वो मेरे साथ नहीं पीने वाली हैं। अपनी फिल्म बजाते रहूँ मैं, उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। हम बात कर रहे हैं डॉली आलूवालिया जी की, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम। हाय। हेलो, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। थैंक यू। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो आपकी फिल्म बजाते रहो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई, उसमें काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे जिनके साथ मुझे काम करना था और जिन्होंने ऑलरेडी कॉमेडी में एक महारत एस्टैब्लिश की हुई है। बट मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल थ्रू द शूट आई वाज क्वाइट नर्वस, बट अगेन लकीली जो शशांक हमारे डायरेक्टर हैं, ही कुड क्रिएट अ वंडरफुल एटमॉस्फेयर, सो उससे काम आसान लगा, सो आई एंजॉयड इट। जैसे कि उस फिल्म कॉमेडी फिल्म थी तो बड़े सारे कॉमिक सीन्स होंगे, तो सेट्स में कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो बहुत फनी रहा हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? हाँ, हमारा एक बारी मैं पहुँची अपना सीन तैयार करके और वहाँ मालूम चला कि सीन चेंज हो चुका है, सो जिसमें अगर मेरी 10 लाइनें थी वहाँ पर 2 लाइनें थी, तो मैंने बोला ये कौन है करने, टिपिकल मम्मी मैम, ये कौन है करने वाला? तो बड़ी इंटेलिजेंटली कोई 4 उंगलियां उठी थी जो विनय पाठक और रणवीर शौरी की तरफ गई थी, तो आई सेड हाउ कम यू, हाउ डेयर यू डू दैट, यू नो। तो ये जो हमारा ये जो लाइंस का लेना और सीन का आदान प्रदान हमारा थ्रू आउट फिल्म में चलता रहा, विच वॉज वेरी हेल्दी, इन अ वेरी हेल्दी वे, यू नो, क्योंकि वो कहते हैं कि आप हीरोइन हैं, आप हीरो हैं, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ तो लेने दीजिए आप। सो एंड अब खासकर मुझे ऐसा एवरी डे देयर वाज समथिंग और द अदर हैपनिंग, यू नो, इट वाज वेरी लाइवली सेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब खूब इंजॉय किया, मतलब बहुत फन था वहाँ पे। मतलब रणवीर शौरी, विनय पाठक, तुषार कपूर आपके और रवि किशन जी आपके साथ हैं, तो आपको फन आप कैसे नहीं महसूस करेंगे, आप कैसे नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही एक अपने आप में गलत चीज़ होगी। तो इट वाज फन, इट वाज रियली फन। जैसे मैं ऑन स्क्रीन बात करूँ तो आप ऑन स्क्रीन बहुत कूल फन लविंग सी मम्मा का रोल प्ले करती हैं, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? नहीं, मैं बहुत चंटाल हूँ, डायन हूँ। नहीं, बट यू नो, मैं आई एम अ वेरी रियल पर्सन और कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ी रहूँ, इसलिए मुझे उस तरह के किरदार करने में भी मज़ा आता है। बाकी जब सिचुएशंस आती हैं, जब गुस्सा आता है, जब मैं डिप्रेस होती हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है वो, दैट इज़ हर फिल्म के साथ मुझे लगता है कि एक कलाकार कुछ ग्रो करता है, तो आपको क्या लगता है कि आपके एक्टिंग स्किल्स कितने ग्रो हुए हैं और क्या इसका फ्यूचर? एब्सोल्युटली, हर एक्सपीरियंस आपको एक ताजगी देता है, आपको मैच्योर करता है, और मैं चाहे इस वक्त आपसे भी बात कर रही हूँ, इसमें भी मुझे एक एक्सपीरियंस हो रहा है, सो आई एम लर्निंग अ लॉट। और मैं चाहे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करूँ फिल्मों की, चाहे मैं एक्टिंग करूँ, बेसिकली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़ीरो से शुरू करूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि आप किस सीढ़ी तक पहुँचे हैं, फिर अगली बारी दोबारा जब आप करेंगे, मे बी इस बारी मैंने 10 सीढ़ियाँ क्लाइम की हैं, नेक्स्ट टाइम मैं कोई प्रोजेक्ट करूँगी आई नो 10 तक, देन आई विल बी एबल टू गो 15, यू नो। सो एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आपके पास सिचुएशंस आती है, आप उस तरीके से डील करते हैं, सेम इज़ द रोल, सेम इज़ द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, सो आई लव टू लिव विद इट। जैसे कि आपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की बात की, तो कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप इस टाइम काम कर रही हैं, कौन सी फिल्मों के लिए अब आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रही हैं? अभी मेरी आई है भाग मिल्खा भाग, उसका विच इज़ अ ग्रेट चैलेंज एंड अ फैंटास्टिक फिल्म। हम सब लोगों ने उसको, मतलब मैं हमेशा से मांगती थी और मानती हूँ कि जैसे मैंने कोई भी फिल्म करती हूँ, एक्टिंग या कॉस्ट्यूमिंग, मैं प्रेग्नेंट फील करती हूँ, फिर उस दौरान एक माँ जैसे से फील करती है क्या क्या आपको नरिश करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, क्या क्या खुराक लेनी चाहिए, सो उस तरह का मेरा दृष्टांत होता है कि मैं उस तरह से काम करूं। एंड यू नो, ऑल प्रोजेक्ट्स मेरी, दीपा मेहता जी की मिडनाइट चिल्ड्रन थी, विच वाज अगेन अ चैलेंज, एंड वी वर इन श्रीलंका शूटिंग फॉर दैट। आप चाहे मेरी रॉक स्टार ले लीजिए, लव आजकल, कमीने, ओमकारा, सो हर में मुझे मज़ा आता है, और आप आने वाले मेरे प्रोजेक्ट्स में
आई एम स्टिल वर्किंग ऑन स्क्रिप्ट्स, आई एम गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स और इंशाल्लाह माशाल्लाह जरूर जल्दी कुछ कॉस्ट्यूम्स हो गया, एक्टिंग हो गया, इसके अलावा भी और कुछ हिडन टैलेंट है आपके अंदर जो हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा? क्योंकि हाँ, मैं आई वांट टू गो एंड जॉइन द कुकरी वो जो आता है ना टेलीविजन में, बिकॉज आई एंजॉय कुकिंग, आई रियली एंजॉय कुकिंग। मैम, जैसे कि हम टैगोर थिएटर में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है थिएटर जो है हर एक एक्टर के दिल के काफ़ी करीब होता है, तो आपके लिए थिएटर क्या है? रोज़ जीना, बिल्कुल सही बोला आपने, मैं उससे इतनी जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं खुद को मानती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ जो भगवान ने मुझे डॉली आलू वाले तिवाड़ी के रूप में दिया है और मुझे बोला गया कि आपको ये अभिनय करना है, सो वो किरदार करें। अभी आप भी, यू आर डूइंग योर रोल, सो वी आर बेसिकली, हम जब इसमें आए हैं वी आर बेसिकली एक्टिंग, यू नो वी आर ऑल एक्टर्स। सो थिएटर हमारा, अभी भी मैं बात कर रही हूँ, जब मैं घर का काम करती हूँ आई टेक द रोल ऑफ अ होम क्लीनर, सो आई एम डूइंग द रोल ऑफ अ होम क्लीनर एंड एंजॉइंग इट। जब तक आपको किसी चीज़ में भी मज़ा या किसी चीज़ का जुनून नहीं होगा, आप उसका लुफ्त नहीं ले सकेंगे, सो यू हैव टू कम्प्लीटली सरेंडर जो भी मिल रहा है आपको। जैसे थिएटर में एक्ट करना और फिल्मों में एक्ट करना काफ़ी डिफरेंट है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मतलब कितना चैलेंजिंग है, क्या कैसे अलग है? देखो जी, थिएटर में आपको हज़ारों आँखें देख रही हैं, आपको दे रही हैं, आपको उसी टाइम रिसीव करना है, उसी टाइम देना है, एब्सोल्युटली। एंड फिल्म इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज देर इज़ वन ऑडियंस, दैट इज़ द कैमरा, एंड द डिफरेंस इज दैट फिल्म में यू कैन रीटेक, यू कैन गिव अ रीटेक, लेकिन थिएटर में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या गा रहे हैं, यू इट गोज, यू नो यू कान गो, यू हाँ, आपको मे बी नेक्स्ट डे आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं, या आने वाले सीन्स में आपको कुछ लगता है कि नो। सो ये थिएटर इज रोज़मर्रा जीना है ना, आपके पास बोलती आँखें हैं देखने के लिए, कैमरा एक मशीन है जो इतनी इतनी ताकतवर है कि आपका छोटा सा इमोशंस भी ऐसे पकड़ती है, तो उसमें भी आप झूठ नहीं कर सकते। सो इट्स बेसिकली, मुझे लगता है कि दोनों जो मीडिया हैं दे आर वेरी वेरी रियल और आपकी रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, इट्स दैट। तो जस्ट टू वाइंड अप, अब ये कि आपके कौन कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, फिल्म्स, कॉस्ट्यूम सबको लेकर? देखिए, मेरी ऑडियंस ने मुझे इतने प्यारे तरीके से एक्सेप्ट किया है, तो अब मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंधे जो हैं मैं झुक गए हैं, क्योंकि मुझे अच्छा काम करना है। सो आई एम गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स, अभी चल रही है बातचीत फिल्म्स के लिए, आई बिकॉज दे आर स्टिल अंडर प्रोडक्शन, आई रियली कांट टेल यू, बट उम्मीद है कि आई विल बी एबल टू कम विद गुड, बेटर एंड बेस्ट वर्क। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू, थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस। तो ये थी हमारे साथ डॉली अहलूवालिया, जिनका मानना है कि हमें हर काम दिल से, लगन से और पैशन के साथ करना चाहिए, और आज टैगोर थिएटर में इनका नाटक जुग जुग जियो का मंचन होगा। कैमरामैन मुकेश के साथ ज्योत्सना पाटनी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।